जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमीला सुबहान है और मैं गारिमा कुपवारा से हूँ। और मैं ये हमारी टीम है, मैं एज ए कैप्टन यहाँ पे लीड कर रही हूँ। हम पुणे जा रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज किया है 160 रस कुपवारा आर्मी जो है ऑर्गेनाइज़ किया। हम उनकी बहुत ज़्यादा शुक्र गुज़ार हैं, हमें आज मौका दिया। हम कभी नहीं गए हैं, फर्स्ट टाइम है हमारा, ऑलमोस्ट सबका फर्स्ट टाइम ही होगा। हम जा रहे हैं पुणे, वहाँ पे कुछ मैच है हमारे उनके साथ, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो आर्मी है यहाँ पे फ्यूचर में भी ऐसे प्रोग्राम्स स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करे, टूर्नामेंट्स वगैरह। पिछली बार हुआ था टूर्नामेंट, उसमें 10-15 टीम्स आई थी, तो उनमें से हम बस 16 गर्ल्स सिलेक्टेड हुई है। ज़्यादा शुक्र गुजार है इनके, होने चाहिए, क्योंकि सब मतलब टैलेंट बाहर, हमारा कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ये बाहर निकलना चाहिए, इसको मतलब मौका मिलना चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए कि वो अपना टैलेंट दिखा सके। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उल्फत मुश्ताक है, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ। आज डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की टीम के साथ जा रही हूँ, जो इंडियन आर्मी की तरफ से 160 TA की तरफ से पुणे के लिए जा रही है, जिनका ये एक साइड से टूर रहेगा और दूसरी साइड से इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है इंडियन आर्मी कुपवाड़ा की। अगर देखा जाए तो इनको बहुत हेल्प मिल रही है कुपवाड़ा आर्मी से, कि ना कि सिर्फ स्पोर्ट्स फील्ड को लेकर, बल्कि इनकी स्टडीज़ को लेकर, इनके सपनों को लेकर, जो इंडियन आर्मी है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इनको। लाइक अगर हम देखेंगे जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, कुपवाड़ा आर्मी को मैंने देखा है बहुत बार कि ये लोग इनको उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करें, इनकी क्लासेज यहाँ दे रहे हैं अंदर कंपनी के अंदर, इनको यूनिट के अंदर इनकी जो क्लासेज होती है इनको यहाँ से वो पूरा तैयार करके भेज रहे हैं कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके वहाँ पर, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करे। अगर हम ये भी देखिए कि मैक्सिमम जो IAS ऑफिसर्स, KS ऑफिसर्स हम देख रहे हैं कुपवाड़ा से बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, रीज़न ये है, कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है क्योंकि उनको इंडियन आर्मी बहुत सपोर्ट कर रही है। कुपवाड़ा TA 160 TA जो है बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प कर रहा है। आज भी हम देखेंगे, मैं फ़र्स्ट टाइम इन लड़कियों को देख रही हूँ जो आज कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बाहर जा रहे हैं। आई थिंक इनमें से मैक्सिमम लड़कियाँ वो होंगी जो अभी शायद श्रीनगर नहीं पहुँची होगी, और आज आर्मी की बदौलत ही ये पुणे जा रही है, पुणे टूर में जा रही है। इनको वहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इनका एक्सपोजर इनको मिलेगा वहाँ पर। ऊपर से इनको सबसे मेन चीज़ जो है, जो इनका टैलेंट है जो सिर्फ अभी कुपवाड़ा तक महदूद था, इनको एक प्लेटफॉर्म जो मिला आर्मी की तरफ से, वो इनको वहाँ पे अपना टैलेंट शो करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ ये लोग टूर के लिए जाएंगे। इनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना कि अगर आर्मी ने इतना सब कुछ किया है हम लोगों के लिए, इनको वहाँ पे अपना टैलेंट शो करके इनका नाम रोशन करना है। मैं भी उम्मीद इनसे यही रखूँगी कि ये वहाँ जाके अपना नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें जिन्होंने इन पर ट्रस्ट करके उनको इतना दूर भेजा है। आज ये विदाउट पेरेंट्स हम कुछ ही इनके साथ जो ऑफिशल्स हैं जा रहे हैं, आज इनके पेरेंट्स ने इनको पहले अल्लाह के हवाले करके, फिर इंडियन आर्मी के हवाले करके इनको आज भेजा है। इतना ट्रस्ट कुपवाड़ा आर्मी ने नहीं, बल्कि हम पूरे JNK की बात करेंगे, इतना ट्रस्ट इन्होंने जीता है लोगों का कि अपनी बेटियों को इनके साथ हम भेज रहे हैं। मैं खुद एक बेटी हूँ जो इनके साथ इस टाइम जा रही है। मैं इनका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमारी लड़कियों को, मुझे खासकर, मैं अपना बोलूँगी, हमें ये प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड हो रहे हैं, हम आगे जाके इंशाल्लाह कश्मीर का ही नहीं बल्कि हम एक दिन इंडिया का नाम रोशन करें। लगातार देखा जाता है कि यहाँ पर जो है आजकल अगर लड़कों के साथ साथ अगर लड़कियों की बात की जाए, लड़कियाँ भी जो है ड्रग्स में यहाँ पर मुलव्वस हुई है, तो उसके लिए आपकी क्या मैसेज है उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? बिल्कुल, क्यों नहीं, हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं लड़कियां स्मोकिंग में, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रही है। हमारी ही उनसे मैसेज रहती है हर टाइम पे, हर मीडिया बाइट में, हर जगह पे, जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम रहते हैं हमारा यही रहता है हर वक्त उनको, कि स्पोर्ट्स की तरफ आ जाओ। ठीक है, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, बाकी भी बहुत सारी ऐसे यूनिट्स खोल रखे हैं आर्मी ने, उनमें जाके पार्टिसिपेट करो। लाइक कंप्यूटर देख रहे हैं हम, स्टिचिंग का देख रहे हैं, बाकी जो वर्क है, हैंड वर्क है, बाकी सब कुछ, बहुत सारी यूनिट्स इन्होंने खोल रखी है, उनमें जाके पार्टिसिपेट करो। जो फजूल में अपना टाइम वेस्ट करो, जाके अपने माँ बाप के लिए अर्निंग हैंड बनो, उनके लिए मतलब ऐसा, आजकल लड़कियाँ हम देख रहे हैं कि लड़कों से किसी भी फील्ड में कम नहीं है। देख, अगर हम मतलब ऐसे यूनिट्स में जाएंगे, कमाने का हुनर सीखेंगे, ये तो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो हमें सिर्फ सिखा सकते हैं, ना कि घर आके हाथ किसी पकड़ के यहाँ तक लेके आएंगे। हमें ये देखना है कि अगर हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो हमें उसका फ़ायदा उठाना है, हमें मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है तो हम क्यों नहीं उसका फ़ायदा उठाएंगे। मैं उन लड़कियों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वो गलत काम छोड़ के अपनी सेहत ख़राब करने के बजाय यहाँ आ जाओ, कहीं भी जाओ, अपना हुनर दिखाओ, जिस चीज़ में भी आप कंफर्टेबल हो वो करो, लेकिन अपने माँ बाप का नाम नहीं डुबा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। इस चीज़ से माँ बाप का नाम नहीं ख़राब होता है, कि बहुत जगहों पर हमने
हमने देखा है पीछे से नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, लड़कियां जा रही है ये करें, लोगों का काम है बोलना, अगर लोग बोलेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हम सुनने बैठेंगे कि नहीं पीछे से लोग ये बोल रहे हैं कि आर्मी टूर में जा रही है, आर्मी इवेंट में जा रही है, ये है वो है, अगर वो सुनेंगे तो आज कोई भी नाम आगे नहीं होता, मिताली राज का नाम आगे कहीं नहीं होता। तो ये उसी से होता है, जब पीछे से बोलने वाले होते तब जाके आगे कोई पहुंचता है। उनसे रिक्वेस्ट है गलत काम छोड़े, गलत रास्ते छोड़े, इस ट्रैक पे आ जाए, अपना नाम कमाए किसी भी फील्ड में। सिर्फ स्पोर्ट्स में नाम नहीं कमाया जाता है बल्कि बाकी जगहों पे भी नाम कमाया जाता है। सर मेरा नाम महविश हबीब है और मैं हंदवारा से बिलोंग करती हूँ, और आज हम यहाँ पे आए हैं सर कुपवारा में। पिछले 2-3 साल से सर हमारे यहाँ पे मैच हो रहे हैं, उसमें बहुत सारी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, हम लोगों ने भी किया, और आज हम लोग जा रहे हैं पुणे। 16 प्लेयर्स हम सेलेक्ट हुए हैं पुणे जाने के लिए। हम ये जो हमारे कुपवारा टेरिटर्स है यहाँ पे 160 है, और ऑल इंडिया को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ये हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म रखते हैं। स्पोर्ट्स में ही नहीं, ये पढ़ाई के रिलेटेड भी हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रखते हैं। हम ऐसे आगे भी चाहते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म हमारे लिए रखे, हम भी आगे जाए। आज हम बहुत ही खुश हैं। मैं अपनी बात करूं सर, मैं आज पहली बार ऐसे बाहर जा रही हूं, वो भी क्रिकेट खेलने के लिए पुणे के लिए। मेरे लिए मैं पहले तो अपने शुक्रगुजार करती हूं अपने पेरेंट्स को, लोगों ने हमें मुझे हमेशा बचपन से ही सपोर्ट किया है। चाहे अब इंडिया आर्मी की तरफ से हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं इनके कि हमारे लिए हर एक, चाहे वॉलीबॉल क्रिकेट कोई भी स्पोर्ट्स एकेडमी हो किसी भी रिलेटेड, ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमेशा रखते हैं। पढ़ाई के रिलेटेड भी हमारे लिए बहुत अच्छा रखते हैं। हमें आज बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हम लोग सिलेक्ट हुए पुणे के लिए, हमारी टीम आज जा रही है पुणे, हम वहाँ जाए और अपने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का नाम आगे रोशन करें। थैंक यू सो मच सर। हम बिल्कुल चाहते हैं कि ऐसे इवेंट्स फिर से हो, हमें मौका मिल जाए कि हम आगे जाए पुणे क्या हर एक स्टेट में हम लोग जाए, हमारे कुपवारा का नाम वहाँ हम रोशन करें। इंशाल्लाह हम आज रोशन करके आएंगे।